अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चना दाल का हलवा बनाऊंगी और ये बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार होता है। ये मैं 1 किलो चना दाल ली हूँ, इसे 15 मिनट में पानी में सोख करके रखूँगी, फिर इसे दूध में बॉईल करूँगी। 1.5 लीटर पानी डाल दी हूँ, अब 15 से आधे घंटे तक इसको पानी में सोख करके रखूँगी। 1 किलो दूध डाली हूँ, इसको अच्छी तरह से गलाना है, आप कुकर में भी गला सकती हैं। देखिए 1 किलो दूध में मैं अच्छी तरह से गला दी हूँ। देखिए इस तरह से गलाना है आपको ताकि अच्छे से पीस आ जाए। अब मैं पीसूंगी। मैं घी डाल दी हूँ 1 किलो चना दाल के हलवा में, 3 पाव घी डालना। अब मैं इसमें पीसा हुआ चना दाल डालूंगी। ये पीस ली हूँ और इसमें 4 हरी इलायची डालूंगी, इसमें चना दाल, इसी में सारा डाल दूंगी। देखिए बहुत अच्छे से भुना चुका है, पूरा 1.5 घंटा लगा मुझे ये भुनने में। देखिए इस तरह बनाया है। अब मैं शीरा बनाऊंगी, चाशनी। शीरा बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 लीटर पानी ली हूँ और इसमें 3 कप चीनी डाल दी। इसमें थोड़ा मीठा ज़्यादा होता है, इसलिए आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी हलवा लगता है ये चना दाल का हलवा। अच्छा शीरा बना के इसमें डालूंगी हलवा में। अब कुछ ड्राई फ्रूट है जो मैं हलवा में डालूंगी, बादाम, काजू और फ्रूट, सब को हल्का दरदरा पीसूंगी। किमाम बिल्कुल रेडी हो गया है, सिर्फ चीनी मेल्ट होना चाहिए। अब मैं ये हलवे में डालूंगी। अब अच्छी तरह से चलाना है, चलाते हुए थोड़ा भूनना है। अब इसी में मैं ड्राई फ्रूट डालूंगी। ये कितना अच्छा कलर आया है। 10 मिनट इसको ऐसे भूनना है। देखिए रेडी हो गया है, मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है चना दाल का हलवा, बहुत ही टेस्टी बना है। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।